हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार सिंह नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आम आदमी की ज़िंदगी में काम आ सकती है। जैसे पहला है लिफ्ट। हम लिफ्ट से जाते हैं, आते हैं, लेकिन क्या हो अगर लिफ्ट फंस जाए, टूट जाए, या मतलब ऐसे अचानक से नीचे गिरने लगे, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? जैसे बहुत ही बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, उसमें लिफ्ट से आना जाना होता है। अगर इस टाइप की घटना हो तो आपको लिफ्ट में क्या करना चाहिए? आपको लिफ्ट के फर्श पे लेट जाना चाहिए, न कि आपको बैठना चाहिए, न कि आप लिफ्ट नीचे जाए तो नॉर्मल लोग जंप करते हैं ऊपर की ओर। आप नहीं भी जंप करोगे तो भी आप ऊपर की ओर चले जाओगे, इसलिए आपको फर्श पे लेट जाना चाहिए। और फर्श पे लेट के अपने सिर के ऊपर ऐसे कर लेना चाहिए और सिर के पीछे भी ऐसे कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पीछे का सिर ठीक रहेगा और आगे का भी सिर ठीक रहेगा। ये था सेफ्टी पॉइंट। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई पानी में डूब रहा है और आप उन्हें बचाना चाहते हैं, तो कभी भी इस टाइप के चीज़ करते समय आपको दिमाग में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप डूबने वाले को बचाने जा रहे हैं तो उसको पीछे की तरफ से बचाएं, क्योंकि डूबने वाला हमेशा ये सोचता है कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मिले जिसे मैं उसे पकड़ूं, पकड़ के उसे नीचे करूं और मैं ऊपर आऊं ताकि वो आराम से सांस ले सके। उसको इस टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि मैं किसको पकड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वस्तु है या व्यक्ति है, उसको इससे मतलब नहीं होता। कई सारे न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि बाप बेटे को बचाने गए तो बाप भी डूब गए, फिर या उसका भाई या दोस्त बचाने गया तो वो भी डूब गए। सबसे बड़ी गलती आगे से बचाने की लोग करते हैं। आप उस व्यक्ति को पीछे से ही बचाएं हमेशा, ताकि वो आपको पकड़ ना सके और आप उसे आराम से पुश करते हुए या ऊपर की ओर उठा के लिफ्ट करके पैर से तैरते हुए बाहर निकल सकते हैं। तीसरी पॉइंट कि अगर आप कार से जा रहे हैं और कार कहीं पानी में डूब रही है, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, नॉर्मल लाइफ में ये तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर पानी कहीं बाढ़ वगैरह में फंसी है या डूब रही है, ये कार हमारी डूब रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? कभी तो कार का कुछ डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है, अगर कार डूबने जा रही है, ठीक है, आधा डूब चुकी है या डूबना शुरू हुई है, तो आप उस समय दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगे कार का। दरवाज़ा खोल के निकल पाए तो निकल जाइए, अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्योंकि नहीं खुलेगा, क्योंकि आधे में हवा और आधे में पानी भरी रहेगी जो उसे बाहर की ओर और अंदर की ओर पुश करके जाम कर देती है, इसलिए वो खुलने से रहा, तो उस टाइम आप साइड वाली विंडो खोल के निकल सकते हैं। दूसरा, साइड वाली विंडो भी नहीं खुल रही है तो साइड वाली विंडो कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसके किनारे वाले जो पोर्शन होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, अगर आप वहाँ पे किसी चीज़ से हिट करोगे तो वो टूट जाएगी। अगर आप विंडो साइड वाले विंडो के स्क्रीन पे बीच में हिट करोगे तो वो नहीं टूटेगी, वो इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, वो बस किनारे पे कमज़ोर होती हैं, ठीक है, आप उसको वहाँ से तोड़ के आराम से निकल सकते हैं। और एक समस्या है जिसमें नाक बहने की, जैसे कि सर्दी के मौसम में नाक बहने लगते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो होती है जैसे हम सो गए नाइट में और नाइट में सोने के बाद एक साइड से नाक बंद हो जाती है। इसका सिंपल सा एक ट्रिक है, आपकी जिस साइड की नाक बंद हो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सो जाइए, वो फिर आपको राहत दे देगा, आप एक साइड से फ्री हो जाएंगे और आराम से सो जाएंगे। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। आपको इसी टाइप की बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ मैं इस पे शेयर करता हूँ, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और लगता है कि ये जो जानकारी है इसे शेयर करना चाहिए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।